कहते हैं आज का छात्र कल का भविष्य। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम आज से 6 वर्ष पहले इस आशय के साथ शुरू किया गया था कि ये बच्चों का उपस्थिति और उनके पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करेगा। आइए आज हम जानते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता, मध्याह्न भोजन और उसका बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर है। मध्याह्न भोजन से तो इधर ये है कि फिर बच्चे जो घर में उनको पूरा पोषक तत्व नहीं मिल पाता था वो उनको मध्याह्न भोजन से स्कूल में मिलने लगा है और वे बहुत खुश होते हैं स्कूल आने पर कि मध्याह्न भोजन में सभी चीज़ें उनको मिलती हैं। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, स्ट्रेंथ तो काफ़ी बढ़ गई है स्कूलों की और कुछ बच्चे तो केवल मध्याह्न भोजन ही करने ही स्कूल आते हैं, ये सबसे बड़ा प्रभाव है। तो मध्याह्न भोजन मिलता है आपको यहाँ? क्या क्या मिलता है उसमें? दाल, चावल, रोटी, पूरी, खीर, अचार, पापड़। आपको अच्छा लगता है? जी सर। अच्छा, नियमित रूप से आते हैं? नहीं सर। तो आप यहाँ पे पढ़ाई के लिए आते हैं, खाना खाने आते हैं कि दोनों काम के लिए आते हैं? दोनों काम के। आज जब इन बच्चों को मैं पढ़ते खेलते कूदते साथ ही साथ मध्याह्न भोजन करते देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं अपने बचपन में वापस लौट जाता हूँ और मुझे ये भी लगता है कि काश मेरे पढ़ाई के समय में भी मध्याह्न भोजन होता तो शिक्षा संस्कार के साथ साथ पोषण और भोजन भी मिलता, कितना अच्छा होता है। रसोई में जाकर भी चेक करते हैं साफ सफाई है कि नहीं, वहाँ पर खाने के लिए अनुपात में बन रहा है कि नहीं, सही पका है कि नहीं, उसके बाद ही बच्चों को। कई बार अगर शंका होती है तो फिर टीचर्स के द्वारा चेक भी कर लिया जाता है, टेस्ट कर लिया जाता है खाना, उसके बाद फिर बच्चों को दिया जाता है। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ बच्चों। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं सरवत नकवी, रायपुर छत्तीसगढ़ से।